ए बोल दिया, चले गए, पूछ लिया, तोड़ दिया, खा लिया। गाइज, इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप क्या करोगे? गाइज, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना हैव यू बोलना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल देनी है। जैसे अगर आपको कहना हो कि खा लिया, आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे हैव यू ईटन, इस तरीके से। तोड़ दिया, हैव यू ब्रोकन, इस तरीके से। अगर आपको कहना है कि दे दिया, हैव यू गिवन, इस तरीके से, राइट। आप देखिए, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो आप किस को हैव यू बोलते हो, आप हैज ही बोलते हो, क्लियर। इट मीन्स दैट अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज ही, हैज सी लगेगा, और कोई सा भी नेम। अगर प्लूरल रहेगा तो हैव यू, हैव दे, हैव वी, इस तरीके से यूज करेंगे, क्लियर। अगर जैसे कोई लड़का है और वो चला गया, तो मैं क्या कहूँगा? हैज ही गॉन। क्या बोलूँगा? हैज ही गॉन। किसी से पूछता हेलो डियर, चला गया, इसका मतलब उस व्यक्ति की बात हो रही है, तो हैज ही गॉन, इस तरीके से मैं बोलूँगा, राइट। तो अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जैसे अगर आपको कहना है कि पी लिया, इसका मतलब मैंने पानी दिया था, मैंने कहा ए पी लिया, इस तरीके से आप कैसे बोलोगे? या फिर आपको लिख लिया, आप कैसे करोगे इसको ट्रांसलेट इन इंग्लिश में? प्लीज़ गाइज, इसी तरीके से वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें जितेंद्र इंग्लिश चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।